मुझे पाकिस्तानी क्यों बोला उसने, आई डोंट नो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़। अभी बज रहे सुबह के 8:20 और अभी का जो करंट व्यू है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर एंड वहाँ पर। इसने रात को शूटिंग किया, इसने फटाफट वीडियो एडिट कर लिया और इसने अपलोड भी डाल दिया, बट इंटरनेट ठीक नहीं होने की वजह से इसका अपलोड नहीं हुआ। वीरे तेरा भी हो गया था ना? हाँ ब्रो, मैं तो आज वाली वीडियो एडिट अपलोड कर रहा हूँ। कौन सी एडिट कर रहा है? मैं आज वाली वीडियो एडिट कर रहा हूँ। सुबह बनाई है ना, वो चाय लेके आया था तो मैंने एक शूट लिया था, तो मैं वो वाला एडिट करके डाल रहा हूँ। ये सुपर फास्ट है और सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगता है एडिटिंग को। पहले ये बहुत फटाफट एडिट कर देता था, फिर सेकंड नंबर पे ये था, अब ये चीज क्रैक करके ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, वो सेकंड नंबर पे चले गया, मैं थर्ड पे ही हूँ। मनाली पहुंचना है यार आज ही। चलो ना, कहीं ऐसा तो कर ना, ढाई साल हो गए सुनते सुनते, तो कर, कब करेगा? ठीक है, मैं फटाफट करता हूँ। बस आज ही पहुंचना है कैसे भी, क्योंकि क्रिसमस हमें मनाली में ही मनाना है। एंड हाँ, मैरी क्रिसमस सभी को मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। पिंक पगड़ी वाली की भी तरफ से मैरी क्रिसमस। Alright जी, अभी हाईवे में कहीं पे हम लोग रुके हैं, मनाली की तरफ निकल चुके हैं और हमारे एक सब्सक्राइबर है अक्षय। हेलो अक्षय, पूरा चंडीगढ़ रात को ढूंढे हमें, हम नहीं मिले इनको, हमारी इन्होंने गाड़ी ढूंढा, नहीं मिले। इन्होंने प्लान किया कि मनाली की तरफ जा रहे हैं, हम भी निकल पड़ रहे हैं मनाली की तरफ और कहीं ना कहीं हाईवे में पकड़ लेंगे, और अगर नहीं मिले तो वापस चले जाएंगे। और इन्होंने हमें हाईवे पे पकड़ लिया, यहाँ पर इनकी गाड़ी है। भाई का प्यार है बस, क्रेजी मोहब्बत है यार। मतलब इतनी ठंड में पूरी रात ढूंढ रहे हैं यहाँ से वहाँ होटलों में, फिर आज भी निकल पड़े हैं। ये वो मोहब्बत है जिसके लिए अभी तक हम टिके हैं। बस ऐसे ही मोहब्बत करते रहे भाई। हाँ जी भाई, आपके साथ ऐसे बहुत मोहब्बत है, दिल में जगह बनाए रखें। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, अच्छा लगता है ऐसे, लेकिन बुरा भी लगता है कि यार इतना आपने हमसे मिलने के लिए स्ट्रगल किया। वो हमारे अंदर आपके लिए प्यार है। चलो ठीक है, और चाय पीता हूँ जब तक वो आएंगे। अभी यहाँ पर सत्या और प्रभजोत गए, उनको वॉशरूम, अभी हम अक्षय के साथ बैठ गए, चाय वाय पियेंगे जब तक वो आते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। और आज भी पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा, लेकिन आज जश्न तो होगा क्योंकि ये वो दिन है जिसके लिए हमने कितने सालों से वेट किया यार। आज के दिन तो हमारा दिन है, क्रिसमस का दिन हमारा दिन। भाई जी चाय दो ना, चाय बन जाएगी। भाई के हाथ पे जरा गौर फरमाना, मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ। वापसी मेरे पे गौर फरमाया जाए, बताना चाह रहा हूँ कि हाँ दिल्ली से भाई साहब हमें ठंडी लग रही, नॉर्मल मतलब ठीक है, लेकिन भाई चंडीगढ़ से भाई को ठंड लग रही है। ये मेरे को आपको मिल रही है एक्साइटमेंट की। अरे बाप रे बाप, मैं पकड़ लेता हूं, ये मेरे को ठंडी लग रही है। इधर देखो इधर देखो, मेरा भी हाथ ये रहा, ये मेरे को ठंडी लग रही है। ये हाथ दो तीन को लेके गिरेगा। चेयर से गिरे, तूने घुट पी लिया यार बिना चेयर करे, लेना वापस ले ले, लड़ाई करते रहे एक दूसरे की बेइज्जती करो। और हमारे पास है क्या रोड पे चलते चलते कंटेंट तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए मुझे भी लाओ, खाएगा कैसे, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में चाय। ब्लॉगर लाइव भी है, मैं खिलाता हूँ ना मेरे, कोई बात नहीं, तू तो ऐसा खोल के पहले खुद खाएगा बाद में देगा। तेरे को कैसे होगा? अरे यार चाय के साथ भुजिया अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को चाय में डाल के मजा आता है। क्या बात कर रहा है? हाँ ये अलग ही आदमी है ना, चीता आदमी है ये। चलो अभी संभाल के जाओ, अभी गाड़ी मत भगाना। क्या ठंड है भाई, तगड़ी है। देखो यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोग, तो फास्टैग ले लो, वरना कैश वाली लाइन इतनी लंबी होती है ना, इतना एक्सपीरियंस किया मैंने राजस्थान पंजाब में, दिल्ली में तो चलो कुछ है ही नहीं, ये राजस्थान और ये पंजाब और टोल जो है ना बहुत फंस जाओगे, तो फास्टैग तुरंत ले लो अगर गाड़ी चलाते हो इधर उधर घूमते हो तो। ठीक है, सूचना जनहित पे जा रही, बाकी आपकी मर्जी, थैंक यू सो मच। चलो surrender, I can take it anymore.
गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। कल की बात थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन आज की बात ये है कि अभी हम लोग हैं मनाली में, और मनाली में कल रात को हो गया था -8। मनाली ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो ये सारी की सारी जगह ग्रीन थी, एप्पल लगे हुए थे। अब देखो पूरा स्नो स्नो, यहाँ स्नो, यहाँ स्नो, यहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो। लेकिन जब मैं फैमिली के साथ यहाँ पर आया था तब यहाँ पर ज़्यादा स्नो था, और वो नई नई जब स्नो पड़ती है ना तो बहुत हल्की हल्की होती है। अभी बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो गया है, चलते तो ऐसा स्लिप हो जाते हैं। और हमारे मित्रों अंदर, कैसे हो? बढ़िया। मनाली में हमें करना है ठंड का प्रमोशन। सर बताइए ठंड के बारे में कुछ। ठंड बहुत है यहाँ पर। हम और ये पहली बार है कि हम विंटर में मनाली हैं, क्योंकि आज तक प्यार सिंह जी सिर्फ फोटो ही दिखाते थे अपने को। हाँ। कि मनाली आओ मनाली आओ मनाली आओ, ऐसा हो जाता है। इस बार साक्षात दर्शन करवा दिया हमारे को ठंड ने। वाइट वाइट यहाँ पर ये भी है। ये बहुत सुपर फास्ट है, एडिटिंग करते रहते हैं, फटाफट डालते रहते हैं यहाँ पर। ठंड का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ आज, इसका नाक कर रहा है ठंड का प्रमोशन। नाके बता रही है कि ठंड कितनी है। आज रात को सारी की सारी इस बिल्डिंग की नलियां जम गई थी, इतनी ठंड है। सुबह सुबह कुछ जरूरी काम होते हैं जो करने होते हैं, आप सोचो हमने कैसे किया होगा। बोतल भर के लाए गर्म पानी की, वो भी गर्म। अगर वहाँ ठंडा पानी लग जाए तो बहुत कुछ जम सकता है, तो हालत खराब हो सकती है। कोसा कोसा तीन बंदों के लिए 3 गर्म पानी की बोतल आई थी। हाँ तो वो हो गई, मैनेज हो गई। ज्यादा उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, ठंड का प्रमोशन करेंगे। अब हमने सेलिब्रेशन के लिए मनाली क्यों चुना था मैं आपको ये बताऊंगा। मैं काफी दिनों से कह रहा था ना कि सरप्राइज है, फिर आपको रिवील किया कि हम मनाली आ रहे हैं। मनाली में आने का रीजन ये है, एक तो ये घर जैसा लगता है, सेकेंड यहाँ पर हमारी कुछ यादें हैं। ये जो हमारा चीता है, इसका बर्थडे और 100 के सेलिब्रेशन हमने किया था, और उस वक्त हम 3 ही थे। तो हमने सोचा कि जब इतना बड़ा मौका हमारे जिंदगी में आया है तो ये सेलिब्रेशन के लिए हम लोग क्यों दुबई जाए। वैसे ये मेरे को बोल रहा था कि चल स्विट्जरलैंड चलते हैं, मैंने बोला नहीं यार, नहीं। टिकट विकट भी करवा रहा था, मैंने बोला नहीं यार मेरे को नहीं करना है। ये बोल रहा था यूएस चल, ये यूएस के टिकट विकट के बोल रहा है, वीजा वीजा मैं करवा दूंगा। ये मैंने इसको मना कर दिया, फिर मैंने बोला गंगानगर चलो, तो भी मना कर दिया। तो मैंने बोला नहीं यार नहीं, मनाली से अपना क्या इमोशनल अटैचमेंट है, इधर ही आएंगे तो हम लोग यहाँ पर आ गए। पहले की बातें मजाक थी, ऐसा आप सीरियसली मत ना, आप मजाक करते रहते हैं। अब कल की कुछ बातें, एक बार करीब से देख लो, और ये भी देख लो। इतना करीब से देख लो ना तो बाद में दूर से देखना पड़ेगा। बाद में दम था। देखो हम तो बॉम्बे वाले हैं, हमें ठंड लगती है बात समझ में आती है, लेकिन जो लोकल लोग हैं यहाँ के और उनको ठंड लग रही है तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसका मतलब ठंड है, ठंड है, है तो है भाई। मैं नहीं पंगा लेंदा। टॉफी खोला ही नहीं जा रहा है। मैं जेब में हाथ डाल के सेट होता चला रजाई में। चलो अभी मैं बात करना चाहूंगा एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में। वो इंसिडेंट आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर आप झटपट बुजुर्ग को फॉलो करते हो तो वो इंसिडेंट वाला वीडियो आई कार्ड में है, आप देख सकते हैं। मुझे पाकिस्तानी क्यों बोला उसने आई डोंट नो, लेकिन क्या इंसिडेंट हुआ तो थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। यहाँ पर मेरे गाड़ी में नाम लिखा हुआ है बड़ा सा सलीम। वो मेरे पास आया, बोलता है कि क्या लिखा है, मैंने बोला सलीम, तो कहने लगा कि राम क्यों नहीं लिखा है। एक्चुअल में मेरी गाड़ी का नाम राम प्यारी है, मैंने उसका नाम राम प्यारी लिखा है। ये सब चीज़ के बारे में बहस नहीं करना चाहता था, मैं ये जानना चाहता कि उसने बोला क्यों। अगर नाम मेरी गाड़ी, अगर मैंने मेरी गाड़ी में नाम लिखाया, अगर जट प्रभजोत ने अपनी गाड़ी पर जट प्रभजोत लिखा कि उसकी गाड़ी है, वो तो बहस हो गई बहुत ज़्यादा वहाँ पर। मतलब ऐसा भी हो गया था कि इतना ज़्यादा जैसे उसने बोला कि पाकिस्तान, तो मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता था, मैं चले गया अपने रूम पे। लेकिन वो जो बात थी वो बहुत ज़्यादा हिट की थी दिमाग पे। व्लॉग करने का मन उतना हो नहीं रहा था, मतलब ऑन ऑफ हो रहा था, अपने आप को समझा रहा था हो रहा है या जाने दे छोड़ होता है ऐसे। पहले ना मैं सुना करता था TV पे कि किसी सेलिब्रिटीज़ को बोल दिया गया पाकिस्तानी, तुम पाकिस्तान में चले जाओ। अब जब खुद पे हुआ ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ का। मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे डैड यहाँ पर पैदा हुआ है, मेरे दादाजी यहाँ के हैं, मुझे कोई प्रूफ नहीं देना इस बात का। लेकिन सुन के बहुत बुरा लगा था मेरे को कि ऐसा क्यों उसने बोला। पता है एक दिल की बात बताता हूँ, आज भी जब मैं थिएटर में जाता हूँ मूवी देखने के लिए, जनगण मन होता है वहाँ पर, वो गाते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, हर बार होता है मेरे साथ। मुझे पाकिस्तान से नफरत नहीं है, मुझे किसी भी कंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जिस धरती से पैदा हुआ हूँ उस धरती के अलावा अगर कोई दूसरी कंट्री का मुझे बोले तो उस चीज़ का बुरा लगता है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में पैदा होता है ना तो उसको उस कंट्री से प्यार होता है। आप लोगों को पता ही है कि अभी देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
तो ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सलीम भाई वो जो आदमी था उसका नाम बता दो, हम देख लेंगे, हम भी यहाँ से हैं, हम भी वहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों ने उस इंसिडेंट को अपने हिसाब से निपट लिया। कुछ लोग पाकिस्तान से भी मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि आपके कंट्री में मुस्लिम को परेशान किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो सारे लोग नहीं कह रहे हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखो ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, देश का मुद्दा है, हम निपट लेंगे। एक बंदे की सोच पर हम बाकी सबकी सोच को सेम नहीं कर सकते, बराबर। तो पांच उंगलियां जब बराबर नहीं हो सकती तो सब लोग भी सेम थिंकिंग के नहीं हो सकते। प्राउड है इस देश पे, इस देश के संविधान पे हमें प्राउड है, हम अपने तरीके से देख रहे हैं, हम इसको निपट लेंगे, यह हमारा इंटरनल मामला है। बाकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बॉर्डर के उस पार से भी, इस पार से भी, पूरे देश से भी, पूरे देश से। थैंक यू, थैंक यू। मेरे वीरियां तो 1 मिलियन हो गया, बधाइयां दे दो यार, खत्म हो गया। क्या सोच के मैं यहाँ पर आया था कि यार हम लोगों ने कितने सालों से मेहनत किया इस चीज़ के लिए कि 1 मिलियन हो, सेलिब्रेशन होगा, और जब सेलिब्रेशन करना था सेलिब्रेशन हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ, मजे भी, बहुत बढ़िया हुआ, आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। लेकिन मेरा जो है ना वो ऑन ऑफ हो रहा था, तो मैं कम्प्लीटली उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाया। बट थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और जितने भी लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि सलीम भाई का मूड ठीक करो, सलीम भाई का मूड ठीक, ठीक है यार, ठीक है, दिल की बात थी जो आपसे। लेकिन आप लोग को ये बात पता चल गई, हाँ, ये वीडियो देख के इनको पता भी चल गया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि सेलिब्रेशन वाले वीडियो में मेरा कनेक्शन है ना, मूड जो था थोड़ा ऑफ ऑफ था। क्या हाल है भाई? कैसे हैं? थैंक यू। हम तो लाइन में खड़े हुए हैं, मिलियन 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 है, गाड़ी में रखे, गाड़ी में रखे ना, तो गाड़ी की चाबी दो। क्या हाल है मेरी जान भाई? बहुत बड़ा हाथ है जो इन लोगों का है। आओ भाई आ जाओ, सुनना चाहेंगे भाई सलीम, आपके भी 1 मिलियन हुए हैं, आपके पीछे किसका हाथ है? सलीम के, सुना हर सक्सेस सलीम के पीछे उसी का हाथ है, आपके पीछे किसका हाथ है? मम्मी, ए मम्मी, तो आ जाओ केक कट करते हैं। ओके, पहले फुक्की मार लो यार, फुक्की मार लो। गीता नहीं सोनिए नाराज, गीता नहीं आवाज कम करो क्या? हाँ तेज करो। हाँ सोनिए नाराज, गीता नहीं के आज दिल मैं तेनु दे दिया, जानी ले ली तू ता Ha 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 ha